आज आपको अमित सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं जिंदगी के दौर के बारे में। एक बार की बात है, एक यंग एथलेटिक लड़का था जो सफलता का भूखा था। उसके लिए जीतना ही सब कुछ था और सफलता को सिर्फ जीत कर मापा जा सकता है, ऐसा उसका मानना था। एक दिन लड़का अपने छोटे से गांव में एक रेस के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वो खुद और दो और यंग लड़के रेस में दौड़ने वाले थे। खेल के तमाशे को देखने के लिए बड़ी सी भीड़ इकट्ठी हुई हो गई थी। एक बुद्धिमान बूढ़ा छोटे लड़के के बारे में सुनकर उसे देखने के लिए दूर से यात्रा करके आया था। दौड़ शुरू हुई, फिनिशिंग लाइन को देखते हुए लड़के ने निश्चिंत रूप से तय किया और अपने दृढ़ संकल्प और शक्ति का आह्वान किया। लड़के ने जल्दी जल्दी दौड़ लगाई और पहला स्थान पाया। भीड़ खुश हो गई और झूम के लड़के की तारीफ करने लगी। बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी भावना को व्यक्त करते हुए शांत रहा। हालांकि छोटा लड़का खुशी और गर्व महसूस कर रहा था। एक दूसरी दौड़ बुलाई गई और दो नए फिट लड़के चुनौती देने वाले छोटे लड़के के साथ दौड़ने के लिए आगे आए। दौड़ शुरू हुई, निश्चित रूप से छोटा लड़का तेज दौड़ा और एक बार फिर पहले स्थान को हासिल किया। भीड़ फिर से खुश हो गई और लड़के की वाहवाही करने लगी। बुद्धिमान व्यक्ति फिर से शांत रहा, फिर से कोई भावना व्यक्त नहीं की। हालांकि छोटा लड़का गर्व और खुशी महसूस करता रहा। एक और रेस छोटे लड़के ने विनती की। बुद्धिमान बूढ़े ने आगे बढ़कर छोटे लड़के को दो नए दावेदार पेश किए। एक बुजुर्ग कमजोर महिला और एक अंधा आदमी। ये क्या है, छोटे लड़के ने पूछा। ये कोई दौड़ नहीं है, उसने कहा। दौड़, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। दौड़ शुरू हो गई और लड़का एकमात्र फिनिशर था। अन्य दो दावेदार स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े रह गए। छोटा लड़का बहुत खुश हुआ, उसने खुशी से अपनी बाहें ऊपर उठाई। हालांकि भीड़ चुप थी, छोटे लड़के के प्रति कोई भावना ही नहीं दिखा रही थी। क्या हो गया, मेरी सफलता में लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, उसने बुद्धिमान बूढ़े से पूछा। फिर से दौड़, बुद्धिमान बूढ़े ने कहा। इस बार एक साथ रेस समाप्त करना, आप तीनों एक साथ रेस समाप्त करना, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। छोटा लड़का ने बहुत सोचा, अंधे आदमी और कमजोर महिला के बीच में खड़ा हो गया और फिर दोनों दावेदारों के हाथ पकड़ लिया। दौड़ शुरू हुई और लड़का धीरे धीरे धीमी गति से फिनिशिंग लाइन तक चला गया और उसे पार कर गया। भीड़ उत्साहित हुई और खुशी मनाते हुए जयकारा लगाने लगी। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया, धीरे से सिर हिलाया। छोटा लड़का गर्व और खुशी महसूस कर रहा था। अंकल जी, मैं समझ नहीं पा रहा, वीर किसके लिए जयकारा लगा रही है, हम तीनों में से कौन जीता, छोटे लड़के ने पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने छोटे लड़के के कंधों पर अपना हाथ रखा, उसकी आंखों में देखा और धीरे से उत्तर दिया। छोटे लड़के, इस दौड़ में आपने पहले किसी भी दौड़ से कहीं अधिक जीत हासिल की है और इस दौड़ के लिए भीड़ किसी भी विजेता के लिए जयकारा नहीं कर रही है। जीवन में यदि देखो, अपने जीवन में आप किसके लिए दौड़ रहे हो? क्या आप सफलता के भूखे हो? क्या जीतना ही आपके लिए आपके जीवन का एकमात्र पैमाना है? आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हो? और अगर आप हमेशा सबके खिलाफ जीतते रहे तो जल्द ही लोग आपकी जय जयकार करना बंद कर देंगे। अपने जीवन के अंत में यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो सवाल ये है, इस दौड़ में आपके बगल में कौन दौड़ रहा है? अगर वे कमजोर और बूढ़े थे तो क्या आपने उन्हें लाइन पार करने में मदद की? क्या आप सब एक साथ रेस को समाप्त कर पाए? क्योंकि वही सबसे अच्छी रेस है, तो भागो। जीवन नाम की इस रेस में दौड़ो, लेकिन मत भूलो, इस रेस में जीतना ही जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि आप इस दौड़ में कैसे भागते हैं। तो बच्चों, आई होप ये मैसेज आपको बहुत काम आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।